यस, गुड मॉर्निंग 9th B। लिसन बेटा, साढ़े सिलेबस का लास्ट है मुहावरे, उसके बाद साढ़ा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, ह भाग मुहावरे प्रॉपरली करने ने। ठीक है, मीनिंग विद सेंटेंस, राइट। उन सेंटेंस तुसी सारे मेनू दसोगे, सो सुनी जायो, और इन फेयर कॉपी ते जस्ट 5 लिख लियो, ताकि थोड़ा इन्ना पता लगे कि थोड़े सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, सो अगर है थोड़े को हुनी फेयर कॉपी तो तुसी लिख सकते हो। फर्स्ट है हजामत करना, ठगना। जेडे थोड़े टफ होंगे ना, वो वाले फेयर कॉपी ते लिख लियो। ठीक है, ठगना। ठगना की हुंदा है लुटना। बनाओ सेंटेंस एदा। या मेले विच दुकानदार लोकां दी हजामत करदे हन, ठीक है, उन्हां नूं बहुत ज्यादा ठगदे हन। नेक्स्ट है हड भन्नणे, मेहनत करनी। ठीक है, थोड़े बहुते मैं लिख रही हां बोर्ड ते, तुसीं वी इही वाले लिख सकदे हो अगर तुहाडे कोल बुक नहीं है तां। ठीक है, जेड़े हमेशा मेहनत करते ने, हड पाते ने, हड होंगे कि जड़िया हड्डियां वगैरह। ठीक है, क्योंकि आप जो तो मेहनत करते हाँ तो साढ़ा पूरे बॉडी का जोर लगता है। ठीक है, तो फिर वो नाल की होंगे हमेशा सक्सेसफुल जेड़े बंदे होंगे ने, उही हड पाते हैं। या तुसी लिख सकते हो कि विद्यार्थी इम्तिहाना के दिनों विच बहुत हड पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हाथ पीले करना, ठीक है। हत्था पैरां दी पै जानी, 13। रुक वहां पे 13 करो। हत्था पैरां दी पै जाना, घबरा जाना। बनाओ एदा सेंटेंस बनाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हत्था पैरां दी पै जाना सेंटेंस। ठीक है, या सपनू देख के, चोर नू, हाँ चोर पुलिस नू देख के उसनू अपने हत्थां पैरां दी पै गई, या कोई दुखद खबर सुन के। और जो भी तुसी वाक लिखोगे ना, हमेशा उधर रीजन मेंशन करो। ठीक है, ताही तुहानू मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है हाथ ते हाथ करके बैठना, हाथ लाया मैला होना, बहुत सोना होना। या ताजमहल का लिख सकते हो। ठीक है, हाथ ते हाथ धर के बहना। दसो, जे तुसी ऑनलाइन क्लासा नहीं लाओगे ना, हाथ ते हाथ धर के बैठे रहोगे, तो फिर भी तुसी बाद विच पछताओगे, है ना। नेक्स्ट है हाथ तंग होना। आशपे सिंह, क्लास 8 बेटा, 9th का पीरियड है। ठीक है, थोड़ा 5th पीरियड है। नेक्स्ट है हाथ बटाना। ठीक है, हाथ चुकना। ठीक है, ओके गुड। हाथ ते धरना, कुछ देना।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਧਰ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਇਹਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਬੈਠਣਾ ਓਕੇ ਗੁੱਡ, ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਚੋਰ ਹੱਥ ਮਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਏਦਾਂ, ਵੈਸੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਟਾਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾਕਈ ਪਾਇਆ ਫੋਨ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੀ ਛੱਡਦੇ। ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡਣੀਆਂ ਫੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੇਮ ਕੋਈ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਕਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਆਕੜ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੱਪ ਲੇਟਣਾ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਜਸਟ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਲੇਟਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਏਦਾਂ ਨੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੱਪ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਸੱਪ ਲੇਟਣਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ।
नेक्स्ट है हिक ते मूंग दलना, दुखी करना। आया भी सी ना, कितने आया सी? नवी पुरानी तहजीब दे विच। ठीक है, होए होए होनी, जो किसी परसन की आले दुआले बदनामी होती तो सारे ओनी रोला नहीं पान लग पाते, आप कहने होए होए होनी। हक्का बक्का रह जाना, हड्ड गोडे रगड़ना, दुख भोगना। ठीक है, हुण कोई बंदा दुखी है, मान लो कोई बंदा बीमार है, ओदे कोल चलिया नहीं जांदा, ते ओह हड्ड गोडे ही रगड़दा, मतलब ओह एदां किसड़ किसड़ के ही चलदा या बड़ी मुश्किल दे नाल ओह चलदा। हद्दां बन्ने टप जाना, लिमिट क्रॉस हो जानी। ठीक है, हाथ धो के मगर पै जाना। ठीक है, हथां दे तोते उड़ जाना, हथ बन्नी खड़े होना। हथ बन्नी मतलब कि कई बार आप इदा जो किसी का ऑर्डर फॉलो करना होंगे सीधा करके खड़े होंगे ना, वह मतलब है। हथां ते सरों जमौनी, हथियार सुट देने, हल्ला शेरी देना, हालत पतली हो जानी, हड हरामी होना, हड पन के काम करना, हड्डा विच पानी पैना, आलसी हो जाना। हड्डियां दी मुठ, पूंजा फेर देना, पूंजा फेर जित होनी। दो तरह के ने, दोनों च काफी फर्क है। एक हूंजा फेर देना, फेर मतलब के सब कुछ ही साफ कर देना, हूंजा फेर जित ज्यादा डिफरेंस दे नाल जित होनी। हाथ खुला रखना, खुला खर्च करना। कई बार पेरेंट्स कहते हैं ना इन्ना भी बहुता अपना हाथ खुला ना रखो, सेविंग करो। हाथ अड़ने, हाथ नू हाथ ना दिसना, हवाई किले उसारना, हाथ वड़ के देना, हवा दे कोड़े सवार होना। हैंकड़ दी जगह तुसी हंकार भी लिख सकते हो, होमे भी लिख सकते हो। क्लियर बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, सो 48 ने मुहावरे, कोई तुसी पांच अपनी फेयर कॉपी दिखा लो। लिसन बच्चे, सिलेबस साडा कंप्लीट है, मैनू कल तक अपनी कॉपी भेजो। ठीक है, सस्ता भाग आप कर ले हुए नहीं, और सिलेबस मैं थानू सेंड कर देवांगी, सिर्फ टर्म टू का सिलेबस ही आना है, 40 मार्क्स। ठीक है, और 10 मार्क्स ही। हाँ जी, बंगारना ललकारना आप उच्ची उच्ची किसी नहीं कहते है। ठीक है, वो मतलब होंगे। ओके, एक बार गो थ्रू हो जाओ, अगर किसी नु कोई भी मीनिंग नहीं समझ लगा तो मैंने पूछ लो। सिरजना एकांगी दा एकांगीकार कौन है? भूपिंदर सिंह। पाली भूपिंदर सिंह। और जिन्हें भी थोड़े सिलेबस विच चैप्टर है ना, इन्हां दे हमेशा तुसी राइटर से नाम लर्न करने ही करने ने। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स से विच पूछा जा सकता है कि केड़ी किसकी रचना है, जिस तरह माता गुजरी जी है, नवी पुरानी तहजीब, ये 4-5 चैप्टर्स ने, ईजी ने। सो ना 4-5 चैप्टर्स नु चंगी तरह नाल लर्न कर लो, बस थोड़ा एक स्टोरी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन जितों मर्जी आ जाए तुसी कर सकते हो। ठीक है, चाहे 1 मार्क्स आ जाए, 2 मार्क्स आ जाए, 4 मार्क्स आ जाए, जिस तरह भी है। हुण सिरजना एकांगी दा अगर किसी नु थोड़ा बहुता सार याद है
याद है क्या की बोलोगे? थोड़ा बहुत लवलीना, हाँ जी ठीक है, ठीक है गुड राइट बेटा। सो मैं राइटर बारे तुहानू पहला ही दसिया होया है, राइटर बारे आप एक बार रिवाइज कर लेने हैं ठीक है। वैसे तुसी अपनी कॉपी ते भी लिखा है, सो गुड लवलीना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी नू याद है सृजना एकांगी विच की कहा गया सी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, पहला राइटर है पाली भुपिंदर सिंह, पूरा लिखना है, कला भुपिंदर सिंह नहीं लिखना ठीक है। सो एदा जन्म होया है, सुन लो जस्ट रिवाइज कर रहे आपा हुण, चंगी तरह रिवाइज करना है ठीक है। हर एक चैप्टर 6 सितंबर 1965 नू, 6 सितंबर 1965 ठीक है। पिता दा नाम की है? सरदार विसाखा सिंह। किथे होया? पिंड जैतो मंडी फिरोदकोट ठीक है। माता दा नाम है चंद्रावल कौर। इन्होंने एम ए पी एच डी की है पंजाब यूनिवर्सिटी तो, हुण इह की कर रहे ने इस टाइम इन्हों दा किता की है डी एम कॉलेज मोगा विखे लैक्चरार हैं ये ठीक है एट प्रेजेंट राइट। इन्होंने 30 नाटक लिखे ने, इस तो इलावा इन्होंने एकांगी बाल नाटक अते आलोचनात्मक पुस्तकां भी लिखियां हन। आलोचनात्मक पुस्तकां मतलब आलोचना की हुंदी है? नहीं, आलोचना क्रिटिसाइज ठीक है, क्रिटिसाइज भी किया है इन्होंने पंजाबी। इन्हों फिर सम्मान किड़ा मिलिया है? करतार सिंह धालीवाल युवा पुरस्कार नाल इन्हों सम्मानित किया गया सी 1992 विच। इन्हों ईश्वर चंद्र नंदा अवार्ड दे नाल भी सम्मानित किया गया ठीक है। राइटर बारे आएगा जरूर, ये ना हो कि तुसी राइटर बारे ही याद करना भूल जाओ ठीक है, क्योंकि 9th और 10th विच हमेशा राइटर बारे भी पूछा जा सकता है। सो इदे पात्र ने कौन कौन है, मुख्य पात्र कौन है? सृजना ठीक है, बीजी कुलदीप मुख्य पात्र नहीं वैसे है तो है ना ठीक है, कुलदीप डॉक्टर मासी नर्सा ओ उन्हां दा एक दो डायलॉग है ठीक है। सो सृजना जड़ी है ओहो पढ़ी लिखी औरत है ठीक है, पढ़ी लिखी है 28-29 साल दी है ठीक है, ते नाल ही है आधुनिक विचारां वाली है ठीक। और बीजी पुराने ख्यालां वाली है, सृजना दी सास है हाँ ठीक है। ये आपां कल्ले कल्ले आपां पात्र जो डिस्कस करांगे ना ठीक है। कुलदीप सृजना दा पति, काम नाल प्यार करने वाला, पत्नी दी हाँ ठीक है, ते डॉक्टर ते मासी दा रोल बहुत थोड़ा है। सो इहदे विच चार आपां करैक्टर कीते है ना, सारे कीते है ओके ठीक है। सो मुख्य पात्र इहदे विच है सृजना, इहदे आले दुआले सारी दी सारी एकांगी घूम रही है ठीक है। स्टोरी की है, लेडी है सृजना जो कि 28-29 साल दी है, वो
ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਬੀਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੀ ਪੋਸਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਆਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਂਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਆਂਗੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਟੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਟੁਕਵਾਂ ਟੁਕਵਾਂ ਮੀਨਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸੂਟੇਬਲ ਟੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਟਾਈਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਟੁਕਵਾਂ ਮੀਨਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਨੀਵਨ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਆ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਨਾ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਝੂਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ ਚਲੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਓਕੇ ਸੋ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
एक नवा जीव पैदा होना, ठीक है। जिस तरह इस एकांगी दे विच सिरजना दी कुख विच एक नवी कुरुंबल, कुरुंबल मीन्स जिस तरह कुरुंबल की हुंदा आपां देखदे ना पत्ते देखदे आ ब्रांचेस उते हल्के हल्के छोटे छोटे पत्ते नहीं आए होंगे जो बड़े सॉफ्ट होंगे उन्होंने बोलते हैं क्रूम्बल, ठीक है। सो इस तरह ही जो न्यूबॉर्न बेबी होंगे हले वो एम्ब्रियो, ठीक है, ठीक है, वो हले मतलब प्रॉपरली नहीं फीटस नहीं बनता, राइट। सो उन्होंने आप कहने क्रूम्बल। तो सिरजना लगता है कि जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा प्यार कर दी की है एक रिश्ता जुड़ जाता है, ठीक है। सो दसो हुण इस एकांगी दा सिरलेख ढुकवा है या नहीं है तो दसो किवें है वन बाय वन दिया बाकी होर दसो सिरलेख ढुकवा है या नहीं। इवा ओके ठीक है बेटा। सो सिरजना एकांगी दा सिरलेख पहला तो जो भी सिरलेख आवे पात्र चित्रण नाल उद्देश आवे या एकांगी की समस्या आवे सब तो पहला तुसी राइटर का नाम जरूर लिखोगे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट लाइन के सिरजना एकांगी पाली भुपिंदर सिंह द्वारा लिखी हुई है, ओके। सो इस तो बाद विच तुसी कहना है कि इस एकांगी का सिरलेख ढुकवा है, क्यों है, क्योंकि ये सारी की सारी एकांगी सिरजना द्वारा घूमती है, ठीक है। फिर तुसी दसना कि वह पढ़ी लिखी औरत है ते ओदी कुख विच भी एक नवी सिरजना जन्म लैंदी है, ठीक है। सो सारी दी सारी एकांगी ओदे द्वाले ही घूम रही हुंदी है, राइट। ते फिर तुसी इनू थोड़ा जिहा आपां एकांगी दे नाल कोरिलेट करना है कि जिवें इस एकांगी विच सिरजना जो कि पढ़ी लिखी औरत है, ठीक है, ओदे पहला की है एक कुड़ी है ते दुबारा वह एक बच्चे नू जन्म देने वाली है ते ओदी जिहड़ी सस है ओनू कहंदी है कि तू अपनी कुख विच पल रहे बच्चे दी स्कैनिंग करवा ला तां कि पता लग सके, ठीक है, मुंडा है या कुड़ी है। ते पर ओ क्योंकि जिस तरह ओदे कह लो कि ओनू लगदा है कि ओदे शरीर दा ही कांग है ते ओनू इस तरह ओ सुटना नहीं चाहती, ठीक है। सो सारी एकांगी ये दुआले ही घूमती है, इसलिए इस एकांगी का सिरलेख बिल्कुल ढुकवा है, क्लियर है, ठीक। फिर बाकी आप कल पात्र चित्रण करांगे, पॉइंट मैं तुसी दसोगे, एक एक पॉइंट तुसी मैं दसना है उन्होंने प्रॉपरली आप इलैबोरेट करना है, ठीक है। रिवीजन मीनस आप हर एक तरीके दे नाल चैप्टर नू थोरली रिवाइज करना, ठीक है। और कल ही इस एकांगी का उद्देश पढ़ांगे, अगर ये कोई विषय वस्तु है एकांगी विच ना तीन चार क्वेश्चन सेट होंगे ने, एक सिरलेख टुकमा है या नहीं, एक एदा उद्देश की है मतलब एकांगी सिरजन पिछे एकांगी कारदा की मंतव सी लोगों की सिक्ख्या मिलती सी, ठीक है, और ये करैक्टर स्केच, राइट।